स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, वेरी गुड। अब वेपर फेज में, वेरी गुड वेरी गुड। अब बी का हाफ ही रहेगा लिक्विड फेज में, और वेपर फेज में 0.714। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लिए हैं, ये लिखिए तो इसका मैं सॉल्यूशन यहां पर कर दूंगा। देखिए जो प्रॉब्लम यहां पे था, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं। हाँ या ना? और ए वैल्यू तो दिया हुआ है कितना, पी नॉट भी तो दिया हुआ है, तो पी नॉट ए एक्स ए अब प्लस पी नॉट बी वन माइनस एक्स ए। अगर ऐसे करेंगे तो वनली अननोन क्या रहेगा, एक्स से पी नॉट ए, पी नॉट भी दिया हुआ है, पी नॉट ए एंड पी नॉट वी आर गिवन राइट। तो यहाँ से क्या एक्स से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व की जाएगा तो एक्स ए का वैल्यू हाफ आ जाएगा, और एक्स ए का वैल्यू हाफ तो एक्स भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एग्री, ए सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट एक ऐसा भी फार्मूला हम लोग लिखे थे, याद है आप लोग को? हाँ सर। अगर बहुत फास्ट होना चाहते हैं तो राइट, ऐसे सर आप ये भी बोल सकते हैं कि सर पी ए इक्वल टू पी ए कर देंगे, वहां से भी निकल जाएगा पी ए इक्वल टू व्हाट, पी ए। अगर इससे शॉर्टकट थोड़ा अगर आपको लेंदी लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, पी ए इक्वल टू पी ए। तो पी नॉट ए एक्स है, क्योंकि एक्स है तो अब हम लोग को पता हो गया इक्वल टू एक्स डैश ए पी एस, ए भी पता है, ए भी पता है, ए भी पता है राइट। तो क्या यहाँ से एक्स डैश ए निकल जाएगा, ये ज़्यादा आसान है, और एक्स डैश निकल, एक्स डैश ए निकल गया तो एक्स डैश भी निकाल लीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट हो जाएगा, ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
ए सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी विथ 30 मोल परसेंट ऑफ ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर प्रेशर। खुद करिए। कितना? वेरी गुड, 7/2 सही है। यहाँ देखिए सब लोग स्टूडेंट, बिल्कुल घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 30 मोल परसेंट ऑफ ए, इसका मतलब 30% ए का है, तो इसका मतलब 30% बोल रहे हैं, मतलब पूरा मोल कितना है, 100%। तो मोल फ्रैक्शन 30/100 लिख सकते हैं लिक्विड फेज का। यस yes, और एक्स डैश तो यहाँ पे एक्स ए हो गया 0.3, तो एक्स भी क्या हो गया 0.7। एग्री? एक्स डैश है क्या 60/100 करें अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, तो कितना हो जाएगा 0.6, तो एक्स डैश भी कितना हो जाएगा 0.4। यहाँ तक तो समझ में कोई प्रॉब्लम? यही तो करना था एवरीवन, पी ए इक्वल टू पी ए, राइट? तो पी ए इक्वल टू पी ए के लिए क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए इक्वल टू एक्स डैश ए पी एस। देखिए कितना आसान था। सिमिलरली पी बी इक्वल टू पी बी लिख सकते हैं, तो पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू एक्स डैश बी पी एस। यस, और थर्ड काम करना था डिवाइड कर देना था, पी एस और पी एस कैंसिल। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें लग रहा था कि दो अननोन है, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी निकालना था ना, बट पी नॉट ए पी नॉट मेरे पी नॉट ए बाई पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू नहीं पूछा हूँ, रेशियो पूछा था, इसलिए कम इक्वेशन से भी काम चल गया, राइट? अरे भाई तीन अननोन था, 1, 2, 3, और फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, पी एस और पी एस कैंसिल, तो एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी। ठीक है, आज ग्रुप में एक फोटो शेयर किया हूँ, उसका फास्ट फ्रेंड है विपांश डेका, जिसको मैं शेयर किया होगा बहुत पहले, दोनों फ्रेंड हैं।
और दोनों टेंथ में सेवा बोर्ड में स्टैंड किया था विद इन 10। एक का फोर्थ था, एक का इनका नाइन्थ था। फर्स्ट टाइम मैंने किसी कारण से नहीं हुआ था, देखिए सेकेंड टाइम। और एक ही लाइन बायो का बोला, फिंगर टिप्स ये सबको मतलब जितना बार, और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मतलब करना पड़ेगा बायो में। मतलब बायो में बहुत फास्ट बोला कि बायो में सर क्वेश्चन को 90 क्वेश्चन को हो सके तो 40 मिनट में सॉल्व करके बच्चों को बैठना चाहिए मैक्सिमम। मतलब बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो 50 मिनट्स में हार्डली इसको सॉल्व करके बाइंड अप कीजिए, 45 मिनट्स उसको टाइम लीजिए, ऐसा बायो का तैयारी होना चाहिए। इससे कम का तैयारी है मतलब 500 प्लस में नहीं जा सकते हैं। मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 1.5 आवर में बना लिया था, बाकी टाइम फिजिक्स पे दिया। हो गया ना, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन, कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ द आइडियल सोल्यूशन का मतलब है कि देखिए बेंजीन और टोलिन में कितने कार्बन का डिफरेंस है, एक कार्बन का। इसका मतलब ऑलमोस्ट वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल तो रहेगा नहीं 100%, बट ऑलमोस्ट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तब वो आइडियल सोल्यूशन बनाएगा, अदरवाइज आइडियल सोल्यूशन नहीं बना पाएगा। चलिए स्टूडेंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यहां देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम है रियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम क्या रहेगा, रियल सॉल्यूशन। एक है वन ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नाम, का नाम रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन, राइट। और दूसरे का नाम क्या रहेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन
विथ पॉजिटिव डिविजन सर। दो टाइप का नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब देखिए, इन दोनों टाइप का नॉन आइडियल सोल्यूशन में, अच्छा ए और बी एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, और दोनों को आपस में इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन अगर सोल्यूशन बनाना है तो कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन के टर्म में सोल्यूशन बनाने का तरीका कितना हो सकता है? मोल फ्रैक्शन के टर्म में इनफाइनाइट, एक्स इक्वल टू 0.1 तो एक्स बी इक्वल टू 0.9, तो 0 से 1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, राइट? दैट्स वाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मोल फ्रैक्शन को वैरी करते हुए, फॉर गिवेन ए एंड बी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशन आर पॉसिबल, इनफाइनाइट तरीका हो सकता है, राइट? मान लेते हैं कि अगर आपको बोलेंगे कि एसिटिक एसिड और वाटर को मिलाना है, किसको? एसिटिक एसिड एंड वाटर को मिक्स करना है, तो मिक्स करने का तरीका क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन? इनफाइनाइट, राइट? बट उस इनफाइनाइट तरीका में एक खास कंपोजिशन होता है, और उस कंपोजिशन को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। डैम्स और आप लोग नाम सुने होंगे, राइट? नाम तो सुने हैं ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसका मतलब है कि यहां से दूसरा ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ गया कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दो, एक निगेटिव डिवीजन में रहेगा, एक पॉजिटिव डिवीजन में, करेक्ट? और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलता कहाँ पे है, आइडियल सोल्यूशन या नॉन आइडियल सोल्यूशन? नॉन आइडियल सोल्यूशन में। ये सब मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? तो लिखते एक पॉइंट, अब यहां देखिएगा, बिल्कुल डिटो ऐसा ही सिचुएशन 100% कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर गैस के साथ भी होता है, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, आइडियल गैस एंड, और नॉन आइडियल गैस में भी दो टाइप का डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन एंड निगेटिव डिविएशन। और दोनों टाइप का डिविएशन के लिए एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, जेड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर? यस, तो उस सिमिलर इन सिमिलर फैशन यहाँ भी दो टाइप का सिचुएशन है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए निगेटिव डिविएशन या पॉजिटिव डिविएशन में, दोनों में जहाँ पे मैक्सिमम डिविएशन होगा, निगेटिव तो मैक्सिमम निगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव तो मैक्सिमम पॉजिटिव डिविएशन, जिस कंपोजिशन का क्रॉसपॉन्डिंग होगा उस कंपोजिशन को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। दूसरा प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ाया हूँ, इनेंसियोमेरिक पेयर, याद है? और इनेंसियोमेरिक पेयर को क्या हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं सर? दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, सिमिलरली अगर आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाए हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर आपका बन गया तो जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में रहेगा, ध्यान से सुनना है, जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में रहेगा वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में रहेगा। इसका मतलब एट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन विदाउट चेंज ऑफ कंपोजिशन लिक्विड वेपर में जाता है। मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लिए तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, या वो डिफरेंट कंपोजिशन को मेंटेन करते हुए वेपर में नहीं जाएगा। बाकी के लिए, बाकी आइडियल सोल्यूशन को देख रहे थे ना कि लिक्विड फेज में कुछ और था, वेपर फेज में कुछ और हो गया, बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर बन जाएगा तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में अगर ए और बी का मोल फ्रैक्शन 0.4 0.6 लिक्विड में है तो वेपर में भी क्या रहेगा? 0.4 और 0.6 ही रहेगा, करेक्ट? तो लिखिए, हेडिंग बनाइएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बाद में इसको पढ़ेंगे, पहले इसको जान जाते हैं। ये आएगा एग्जाम में स्टूडेंट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर।
कितना तारीख है? देखिए तो पहला पॉइंट बनाइएगा, वेरी लार्ज डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, वेरी लार्ज डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी लीड टू ए स्पेशल क्लास ऑफ मिक्सचर. वेरी लार्ज डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, आइडियल से आइडियलिटी लीड टू ए स्पेशल क्लास ऑफ मिक्सचर, लीड टू ए स्पेशल क्लास ऑफ मिक्सचर नोन एज एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, नोन एज एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. एक मिनट रुकिए, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मैं क्यों बोल रहा होगा? क्योंकि उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग उसका कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते हैं. एक और पॉइंट बनाइए, सेकंड पॉइंट, लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल ओवर, लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए डिस्टिल में टर्म यूज कर रहा हूँ, लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल ओवर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, विदाउट चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. विदाउट चेंजेज इन कंपोजिशन, विदाउट चेंजेज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. ठीक है, थर्ड पॉइंट, शशांक कैसा रहा था आपका जेई में मैथ का टेस्ट, मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था? काम कीजिए, तो बनाना पड़ेगा आपको, कम से कम 25 में 10 क्वेश्चन भी बनना चाहिए, चाहे कितना भी पेपर टफ हो. पेपर तो मैं देखा था तो उसमें 10 क्वेश्चन तो उसमें से आराम से पिक आउट किया जा सकता था. तो सारे सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन बनना चाहिए. थर्ड पॉइंट, ए बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर एट द एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, ए बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर एट द एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन प्रोड्यूसेस ए वेपर ऑफ एग्जैक्टली द सेम कंपोजिशन, प्रोड्यूसेस ए वेपर ऑफ एग्जैक्टली द सेम कंपोजिशन एंड द लिक्विड डज नॉट चेंजेज इट्स कंपोजिशन एज इट इवोपरेट, एंड द लिक्विड डज नॉट चेंज इट्स कंपोजिशन एज इट इवोपरेट. यस, ए बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर एट द एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, एट द एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन प्रोड्यूसेस ए वेपर ऑफ एग्जैक्टली द सेम कंपोजिशन, ए वेपर ऑफ एग्जैक्टली द सेम कंपोजिशन कॉमा एंड द लिक्विड डज नॉट चेंज इट्स कंपोजिशन एज इट इवोपरेट्स. अब नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी, यहाँ देखिए स्टूडेंट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? दो टाइप का नहीं, एक होता है, मैं इसका मतलब समझा दूंगा, पहले लिख लीजिए.
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक का नाम क्या रहेगा मिनिमम बॉइलिंग और दूसरे का नाम क्या रहेगा मैक्सिमम बॉइलिंग। मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके लिख लीजिए। यहाँ देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये ऑब्जेक्टिव है। अगर आपसे पूछा जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ट्रॉपिक मिक्सचर दोनों में से किस डिविएशन मिलेगा, आप लोग पढ़े हैं किसे मिलेगा, निगेटिव में या पॉजिटिव में? ये पॉजिटिव डिविएशन में मिलेगा, समझ गए? अब मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, क्यों वो प्रूफ करूंगा अभी, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है? चलिए अब एक डिफिनेशन आपको और जानना पड़ेगा तभी क्लास आगे बढ़ेगा। व्हाट द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है? The temperature at which vapor pressure of liquid वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को ग्राउंड पे कितना रहता है, 1 atm is called boiling point of liquid. आप तो को फर्स्ट क्लास का भी थोड़ा बहुत याद है कुछ, एनीवन? तो फर्स्ट क्लास में ऐसे में एक इक्वेशन डेवलप किया था, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, राइट? करेक्ट है ना? और वेपर प्रेशर, यहां जो प्रेशर क्रिएट करता है, करेक्ट, वर्सेस टेम्परेचर का कैसा इक्वेशन आया था, इस टाइप का ग्राफ था। वजह इक्वेशन क्या था एवरीवन, पी इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आरटी, यही था ना? यहां से प्रूफ कर दिए थे कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, एग्री? अब यहां देखिए और यहां पे एक लाइन खींचिए, कितना एटीएम का, P
पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, राइट। और मान लेते हैं कि ये 1 एटीएम है, जनरली तो 1 एटीएम लेता है ना, एक मिनट, ये बचपन से सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे पहाड़ को ऊपर जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, कम टेम्परेचर पर ही वाटर बॉयल करने लगेगा, वजह कम। अब 1 एटीएम है तो जाके एक ग्राफ यहाँ पे कट करेगा, अगर 0.1 एटीएम रहता तो ये लाइन को और नीचे करते तो एक कहीं और संभेर और कहीं पर कट करेगा, दैट्स वाई यहाँ पे। तो हम लोग एक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ये है, जिस पॉइंट पे इस लाइन को कट करेगा वहाँ पे ही 1 एटीएम को अचीव कर लिया, और यही तो डिफिनेशन था बॉइलिंग पॉइंट का, करेक्ट। तो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, करेक्ट एवरीवन। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू व्हाट, एटमोस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? क्या नाम है आपका? शुभम सिन्हा। ओके, बायो कैसा चल रहा है? आपको बायो नहीं है? ओके, मैथ्स वगैरह ठीक ठाक चल रहा है अभी? के भी खाना पड़ा? ओके, बढ़िया से मेहनत कीजिए। टेस्ट में कितना मार्क्स आने का चांस है? रिजल्ट तो निकल गया है आज, कितना? देखिए इस पेपर के अकॉर्डिंग 110 इज गुड मार्क्स, बट फिर भी क्या चाहते हैं, 110 ही आए, मेहनत करना पड़ेगा भाई, एकदम अटैकिंग मोड में मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया वाला हल हो जाएगा। इंडिया भी T20 का बेस्ट टीम है, राइट। लेकिन देखते पता नहीं क्यों डर गया है, इतना ना मीडिया वाला हाइप कर दिया बेचारा को, इसलिए मेहनत करते रहिए, अपने आप को हाइप मत कीजिए। आज एक स्टूडेंट ने जिसका फोटो मैं शेयर किया, भाई पेशेंस क्या चीज़ होता है, लाइफ बनाता है, इसलिए ड्रॉप देना खराब बात नहीं है। जब मैं बोलते रहता हूँ कि डॉक्टर बनना तो सिर्फ डॉक्टर बनिए, आज उनका पेरेंट्स भी आए हुए थे, मदर एंड फादर दोनों, उनका चेहरे पे हैप्पीनेस देखते समझ में आता कि पेरेंट्स का क्या होता है। मैं ऐसे ही पूछा, कैसा लग रहा है सर, सब कुछ सफल हो गया, कितनी बड़ी बात है, नहीं वो जॉब कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और बच्चा अगर सेटल हो गया कितना सुकून हो जाएगा लाइफ में उनका। एक मिडिल क्लास फैमिली का क्या रहता है कि एक मकान हो, कुछ बैंक बैलेंस हो फेस्टिवल मनाने के लिए, वी आर वेरी फेस्टिव मैन, राइट, और उसके बाद बच्चा उसका सेटल कर जाए ओल्ड एज तक होते होते रिटायरमेंट से पहले, एकदम सुकून का लाइफ। सेटल नहीं होगा तो सोचिए कितना टेंशन होगा बच्चे का। जो अभी आप देख रहे हैं कि बढ़िया कंपनी का घड़ी पहन रहे हैं और एडिडास का जूता पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, वो सब चलेगा जब तक कि आप सेटल नहीं कीजिएगा, एकदम सेटल कर जाना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, पेशेंस रखना पड़ेगा लाइफ बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ का एक टेम्परामेंट अलग है, निगेटिव से मत लीजिएगा। यहाँ पर बोलिएगा ना कि ड्रॉप दे रहे हैं तो बड़ा लोग निगेटिव माइंड से देखते हैं, राइट। अब मैं उसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ, भाई जो ड्रॉप दे रहा है उसके अंदर पेशेंस है, सबको सब पास एक्सपीरियंस है करियर बनाने का। अगला उसका बेचारा पूरा लाइफ था और रैंक होल्डर था, इतना बढ़िया टैलेंटेड स्टूडेंट अगर नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा, वो कर लिया था कितना बढ़िया डॉक्टर बनेगा, ये समझ रहे हैं, इसलिए उसको तो करना ही था। उसने अपने गलती को मिस्टेक को एनालाइज किया कि उसका फ्रेंड चला गया और वो नहीं गया, कितना अंदर से उसको गलत, कल रात में कॉल करके बोला कि सर मैं आपसे मिलने नहीं आया था क्योंकि मुझे आपको फेस करना मुश्किल था, और घर में जाकर तो पेरेंट्स फिर बोले कि सर लास्ट में बायो का इसका ऐसा तैयारी हो गया था कि मुझे देता था इसमें से कोई भी क्वेश्चन दो MTG फिंगर टिप से। पेरेंट्स अगर बायो नहीं भी जान रहे तो कोई दो, अब मैं इनसे आंसर बोलता हूँ, ये होता है बायो की तैयारी, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा तब निकलेगा, समझे। इसलिए हवा में नहीं उड़ना है, ग्राउंड हो जाइए, ग्राउंडेड। स्कूल वगैरह को थोड़ा साइडलाइन ही रखिए, कुछ काम नहीं देता भाई, जितना भी स्कूल है ना, मैं भी जानता हूँ कि किसका क्या रियलिटी है, देखने में ऊपर से बहुत शो ऑफ लगता है
नाम मात्र का है, कोई अंदर से स्ट्रेंथ नहीं है। गलत बोल रहे हैं ये? बिल्कुल सही है। ऊपर से तो लगता है ना कि मतलब एसी बस है, ये है, वो है, ऑल दिस दिस दैट, स्पोर्ट है, यहाँ पे टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, बहुत कुछ है, उसका क्या मतलब है? जीरो बटा सन्नाटा। जितना बच्चा का स्मार्ट बना रहता है टेंथ क्लास तक बन जाता है, इलेवन ट्वेल्थ होता है टाइम, इट इज़ द पिक टाइम फॉर मेकिंग कैरियर। बहुत कटु सत्य है बट सत्य ही है। ये समझ में आ गया, समझा दिया? ओके, ये मैं टू डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का पी वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ किया। टू डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का मैं पी वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ किया। कौन सा लिक्विड का वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा है भाई? इसका ग्राफ देखते हैं, शार्प है। इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर, यहाँ पे एक काम कीजिए, टेम्परेचर का गैप सेम रखते हैं, राइट? तो इसमें जो चेंज दिखेगा, चेंज ऑफ प्रेशर, इसमें जो चेंज ऑफ प्रेशर दिखेगा, किसमें चेंज ऑफ प्रेशर ज़्यादा हुआ, राइट? इसका मतलब है कि ये जिस भी लिक्विड का ग्राफ रहा होगा उसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है, वो ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? इसका मतलब है कि अगर दो टू डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का पी वर्सेस टी का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं टू डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का, तो जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा एक काम में आएगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। फिर से लेकर आऊँगा इस चीज़ को, ठीक है? तो यहाँ पर समझिए, तो टू डिफरेंट लिक्विड का अगर पी वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा वो ग्राफ ऊपर रहेगा, और जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम रहेगा वो ग्राफ नीचे रहेगा, करेक्ट? याद रहेगा, एक बार लिख लीजिए। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी वर्सेस टी ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड, if we draw the graph of p versus t of two different liquid, then the liquid which are more volatile, becomes envelop of, then the graph of liquid, aisa likhiyega, then the graph of liquid which are more volatile becomes envelop of less volatile. Envelop का मतलब ऊपर, right? इसका मतलब है कि जिस लिक्विड का रहेगा वो मोर volatile लिक्विड रहेगा। अरे क्या रहेगा? Less volatile रहेगा। अब खुद बताइए, अब it is very important to note that, यहाँ देखिए, और दोनों के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंशियल सेम रहेगा, करेक्ट? जहाँ पे 180 को टच कर जाए, तो मैंने 180 का एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब एक इसका रहेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इस लिक्विड का नाम देते हैं लिक्विड फर्स्ट, इस लिक्विड का नाम देते हैं लिक्विड सेकेंड। तो यह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड फर्स्ट, अरे है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सेकंड। इसका मतलब क्या समझे? लेस वोलेटाइल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा और मोर वोलेटाइल लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, यही मैं समझाना चाह रहा था। और क्यों कम ज़्यादा रहेगा उसको ग्राफ से मैंने प्रूफ कर दिया। और इस ग्राफ का विग्रस यूज करूंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे प्रूफ कर इसको लेकर आऊंगा, ठीक है?
यहाँ देखिए एवरीवन, अब लिखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन। देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन में सॉल्यूट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसके रेस्पेक्ट में अब एक मिनट यहां देखिए एक किसका क्वालिटी था, यस आइडियल सॉल्यूशन का, यहां देखिए, और एक किसका क्राइटेरिया है नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन। नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन कंपेयर करने का मेन वजह यह है कि आइडियल और नॉन आइडियल में ए और बी में किस में अट्रैक्शन ज्यादा है। आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो ए और बी के बीच का अट्रैक्शन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन बनाते हैं भाई इसका अट्रैक्शन इससे ज़्यादा है, बट यहाँ पे तो इसका अट्रैक्शन इसके बराबर है, तो दोनों का लॉजिकल बात क्या रहेगा, कहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन में, याद रहेगा क्योंकि यहाँ से ही आगे का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, करेक्ट है एवरीवन। ओके कंपेयर कर लीजिए, लिखिए अब एक मिनट यहाँ देखिए
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बिफोर मिक्सिंग ए और ए दो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, करेक्ट, और आफ्टर मिक्सिंग ए और बी के बीच का डिस्टेंस, कहाँ पर डिस्टेंस कम रहेगा? मिक्स होने के बाद ए और बी के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया ना, और अट्रैक्शन ए और ए के अट्रैक्शन से ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल दूर जाएगा या पास आएगा? पास आएगा। इसका मतलब है कि बिफोर मिक्सिंग ए और बी का वॉल्यूम अगर 1.5 लीटर है तो आफ्टर मिक्सिंग 1.5 लीटर से कम दिखेगा, करेक्ट। वजह, मॉलिक्यूल दूर गया या पास आ गया? पास आ गया, पहला पॉइंट तो हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो चेंज इन वॉल्यूम, ये सब हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल टोटल वॉल्यूम माइनस इनिशियल टोटल वॉल्यूम, राइट? क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव रहेगा, करेक्ट। और बोलिए, अट्रैक्शन इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, ये तो रूल है ना यूनिवर्स का, अट्रैक्शन ज़्यादा तो एनर्जी कम। तो जब हम लोग बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग, कहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा? आफ्टर मिक्सिंग अट्रैक्शन ज़्यादा, इसका मतलब ये प्रोसेस इंडोथर्मिक रहेगा या एक्सोथर्मिक रहे हो जाएगा? जितना अमाउंट से एनर्जी डिक्रीज करेगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, जैसे प्रोसेस व्हाट, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक रहेगा, करेक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हैं? डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? इसका मतलब आपका सॉल्यूशन विल गेट हीटेड अप या हीटेड डाउन, आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर ए और बी अलग अलग कंटेनर में है। भाई पूरा एनर्जेटिक वे में क्लास कीजिए ताकि आंसर दे सकें, चुप रहने से कैसे काम चलेगा? टीचर को भी तो अच्छा लगना पड़ेगा पढ़ाकर। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा? अगर यही ऑब्जेक्टिव आ गया फर्स्ट टाइम में, देन व्हाट? एक काम कीजिएगा, अगर नहीं ट्रस्ट है तो कभी वाटर में एसिड डाल के देखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, खोलने लगेगा, राइट? क्यों ये भाई? हाईली, जैसे ही वाटर में H2SO4 डालते हैं तो दोनों के बीच में हाईली अट्रैक्शन का फोर्स ऑपरेट होता है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया। तो एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी यहाँ से जब रिलीज होगा तो इसको गर्म करते हुए तो रिलीज होगा, राइट? दैट्स वाई सोल्यूशन विल गेट हीटेड अप। और नहीं तो फिर चूना को पानी डाल दीजिए, चूना समझते हैं ना, राइट? लाइम तो डालिएगा ना, तो जब ऐसे खोलते रहेगा, राइट? इसका मतलब वहाँ भी क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो वैसा कोई भी सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन बनाते हैं लिक्विड को मिक्स करते हैं जो एक्सोथर्मिक सेंस में जा रहा है, तो उसका उस सोल्यूशन के टेम्परेचर को ज़्यादा करेगा, राइट? लिखिए यहाँ पे कॉमा ब्रैकेट लिख लीजिएगा, सोल्यूशन विल गेट हीटेड अप। और जो भी सोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ देखिएगा, जो पढ़ रहे हैं उसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर मिसिबल। तो जो पहले ही आप ही ने ही बोल दिया कि बोथ आर मिसिबल, तो वाटर में फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 डाल देंगे तो क्या उसको चम्मच से मिलाने का रिक्वायरमेंट है या खुद से मिक्स हो जाएगा? और जो प्रोसेस नेचर में खुद से होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इन नेचर, और स्पॉन्टेनियस इन नेचर होने के लिए डेल्टा एस टोटल शुड बी पॉजिटिव एंड डेल्टा जी निगेटिव, इज इट राइट? या दोबारा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना पड़ेगा? थर्मोडायनेमिक्स इच एंड एवरीथिंग पढ़ा चुका हूँ एक्सेप्ट इंजन कार्नोट साइकिल, राइट? पूरा थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा चुके हैं। तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव और डेल्टा जी सिस्टम क्या रहेगा? नेगेटिव। इसमें जितना भी मैंने बात बोला आपने देखा सर, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा? पहला अट्रैक्शन लॉ, वहाँ से तो सब कुछ बोल पा रहे हैं।
जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा बात आप बोल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बुलेट पॉइंट हो गया, वही तो मेन की पॉइंट है, ए और ए के बीच का अट्रैक्शन। इसको हटाया जाए, आप लोग का जब सेकेंड टर्म हो जाएगा ना मेडिकल के लिए, तो बड़ा बड़ा खाली सिर्फ बायो का भी टेस्ट लेते रहूँगा, लाइक 200-200 क्वेश्चन का फुल टेस्ट, जिसमें सिर्फ बायो रहेगा। मेरे पास बहुत पेपर इस पर लिया हूँ सेकेंड टर्म के बाद, क्योंकि आपका तो एग्ज़ाम जून जुलाई में होगा, तो आपको बहुत प्रेशर अभी नहीं देंगे। अब बस इस फ्लो में चलते रहिए, धीरे धीरे मंजिल तक पहुँच जाइएगा। मतलब जेई मेन वालों के लिए ज़्यादा प्रेशर है, बट आपका तो एग्ज़ाम में अभी टाइम है, इसलिए आराम से सेकंड टर्म देने के बाद बस कैटलिस्ट को पकड़े रहिएगा। जैसे अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी करते हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिएगा, पहला बार में निकल जाएगा। अभी तो वेरी गुड रैंक, कि इतना बायो का टेस्ट ले लेंगे ना कि 300+ वैसे देखा हुआ क्वेश्चन लगेगा भाई। MTG बना सकते हैं ना दो बार कम से कम, इतना है कैलिबर, पोटेंशियल है इतना कि MTG मास्टर थे NCERT और कैटलिस्ट का बुकलेट और NCERT, तब तो हो जाएगा। बायो आप संभाल लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं संभाल दूंगा। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मुझे खुद पे भरोसा है, बायो पे मुझे नहीं पता है। भाई नेक्स्ट सेशन में रिजल्ट तो होना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। रिजल्ट मैं करवाऊँगा ही करवाऊँगा, तो देख रहे हैं मैं कितना मोटिवेटेड और जोश में एकदम काम कर रहा हूँ। अभी 2 साल से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया, पहला तो एक ब्रांडेड कोचिंग आ गया, दूसरा कोरोना आ गया, राइट, ये दो दो बड़ा बड़ा झटका लग चुका है। और वहाँ से कमबैक करना, हम लोग लोकल कुछ नहीं होता है, लोकल और ग्लोबल में एक ही डिफरेंस है कि लोग जानने लगा तो ग्लोबल हो गया, ब्रांड बन गया, नहीं जान रहा तब तक तो लोकल है, राइट। बट फिर भी जब मैं यहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया, तो हम लोग जैसे कोचिंग के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था। अब तालाब में मछली है और उसमें मगरमच्छ डाल दीजिएगा तो क्या करेगा, खाएगा ही ना। अब उसमें आप कितना चालाक हैं बच के निकलिए, सेम सिचुएशन है। तो यहाँ से टफ होना पड़ेगा, यहाँ से हार गए तो हार गए। कोई भी इंसान अपने घर में सबसे पहले हारता है, बाहर बाद में हारता है, दूसरा आपको नहीं हराएगा, अपना ही आदमी हरा देगा, वो मोटिवेट ही नहीं करेगा, उसको लगेगा अच्छा तुम तो आम इंसान हो, सब लोग काम कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, घर में यही चलेगा ना डायलॉग, आपका क्वालिटी का क्या पूछा है घर में, नो वन गोइंग टू मोटिवेट यू। तो मैं बेट भी नहीं करता हूँ, खुद से मोटिवेट हो जाता हूँ, कितना बेट कीजिएगा, दूसरे मेरा आप मेरा तारीफ करेगा, अंदर से ही खुश रहते हैं, प्लस अपना आप लोग से आते हैं क्लास में बात करते हैं, वो हैप्पीएस्ट मोमेंट है, तो वो है। इसलिए आप दूसरा के वेट मत कीजिए, एक ही लाइफ मिला है, उसमें फ्रस्ट्रेट होकर रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। अभी नहीं सर, मैं खुश रहना चाहता हूँ पढ़ाई लिखाई छोड़कर, तब और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, अब आते हैं यहाँ, देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आते हैं। अच्छा स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वोलेटाइल कैरेक्टर डायरेक्टली या इन्वर्सली, जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, जस्ट उल्टा बात चल रहा है ना, ये लिख लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा, इसी के लिए मैं वो ग्राफ ड्रॉ किया था।
इसका मतलब है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वैसा लिक्विड जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्रिएट करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम रहेगा, है या ना। इसका मतलब है वेपर प्रेशर यहाँ पे मैक्स लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिन लिखेंगे, एग्री ना। और यहाँ पे अगर मैक्स लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये भी लिखिए, डायग्राम बनाते रहिए। यहाँ देखिए एक्चुअल सिचुएशन ए है कि अगर ए और बी का सॉल्यूशन है और यहाँ भी ए और बी का सॉल्यूशन, और अगर होमोजेनस सॉल्यूशन है, होमोजेनियसिटी अगर मिक्स्ड है तो ए सराउंडेड बाय बी एंड बी सराउंडेड बाय ए, समथिंग लाइक दैट। तो भाई अगर ए जाना चाहेगा तो बी इसको रोक रहा है, राइट। ये बिल्कुल केकड़ा वाला सिचुएशन हो गया है, केकड़ा समझते हैं जिसका बहुत सारा पैर रहता है, एक केकड़ा निकलना चाहते हैं तो उसको 10 ककड़ा ऐसे पैर से उसको पुल करता है, तो वही सिचुएशन है यहाँ पे। ये अगर वेपर में जाना चाह रहा है, राइट, तो लिक्विड में था, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिक्विड में बंधा हुआ था, इसी अट्रैक्शन को हीट देकर ब्रेक करना होता है, राइट। तो इसमें और इसमें आइडियल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन में कहाँ पर ए और बी में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा एरो दिया, यहाँ पे छोटा एरो दिया, करेक्ट एवरीवन। तो अब बताइए ए का वोलेटाइल कैरेक्टर इस सॉल्यूशन में और ए का वोलेटाइल कैरेक्टर आइडियल सॉल्यूशन में, कहाँ पे वोलेटाइल कैरेक्टर ए का ज़्यादा रहेगा, आइडियल में ज़्यादा रहेगा, एग्री हैं। आइडियल में कम रहेगा ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। तो अगर आइडियल में ज़्यादा रहेगा तो आइडियल में इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। इसका अगर इसका बोल आप खुद बोल रहे हैं डायग्राम देखकर कि सर इसमें वोलेटाइल कैरेक्टर इसका ज़्यादा रहेगा,
तो इसको मैं वोलेटाइल करेक्ट सॉरी यहाँ यहाँ पे वोलेटाइल करेक्टर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। दैट्स वाई क्या बोल सकते हैं, पी ए नॉन आइडियल विथ कौन सा डिविएशन, निगेटिव डिविएशन लेसर देन पी ए आइडियल, करेक्ट है ना। देखिए छोटा छोटा डायग्राम ड्रॉ करने से कितना कॉन्फिडेंस आता है, अदरवाइज मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता, अब थोड़ा सा दिखा दिया था अब तो आपको याद रहेगा, नहीं सच में ऐसा होना चाहिए था राइट। अब बताइए सिमिलरली लिख सकते हैं पी बी नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन लेस देन पी बी आइडियल, ये भी तो लिख सकते हैं, जैसे एक लिए वैसे वही बात बी के लिए। अच्छा ऐसा मैथ पढ़े हैं ए लेस देन बी और सी लेस देन डी, तो ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी इनइक्वालिटी का, ए प्लस बी फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड कीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आइडियल सॉल्यूशन, इज इट राइट। और यही क्या है सर पी ए प्लस पी बी, तो पी ए प्लस पी क्या हो गया, डाल्टन लॉ अप्लाई कर देंगे, ए और बी का वेपर जो नॉन आइडियल का भी रहेगा तो वेपर पे जो जाने के बाद वहाँ पे डाल्टन लॉ लगा सकते हैं, तो क्या इसको बोल सकते हैं पी एस नॉन आइडियल, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू व्हाट रेशियो ऑफ द सॉल्यूशन, तो पी एस नॉन आइडियल विथ कौन सा डिविएशन, क्या सिर्फ इतना लिखने से काम चल जाएगा, लेस देन पी एस आइडियल, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव बनते जा रहा है ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, वो भी आएगा, ये भी आएगा ठीक है। एक किसका ग्राफ, पी ए आइडियल स्ट्रेट लाइन, और एक किसका ग्राफ, यस बट पी ए नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन इस लाइन से ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा,
उसका ग्राफ ऐसा होता है। एक किसका ग्राफ? पीए नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन, और एक कहाँ रहेगा? एक किसका ग्राफ था? पीएस आइडियल का। उस ग्राफ में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ, ठीक है, अलग से। पी नॉट बी, एक इसका ग्राफ पी एस आइडियल। तो बोलिए पी एस नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन इस लाइन से ऊपर या नीचे? नीचे। देखिए तो ग्राफ सही है। एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या ये ग्राफ सही है? ये ग्राफ सही नहीं है। इसका सही ग्राफ जो मैं बोलूंगा उसको पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ग्राफ, दिस इज द करेक्ट ग्राफ। नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन में खास कंपोजिशन रहेगा जहां पे मैक्सिमम निगेटिव डिविएशन होगा। क्या होगा? मैक्सिमम निगेटिव डिविएशन। मैक्सिमम निगेटिव डिविएशन का मतलब मिनिमम से मिनिमम वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और जहां पे मैक्सिमम डिविएशन, मैक्सिमम निगेटिव डिविएशन दिखेगा, तो बोलिए इस ग्राफ में मैक्सिमम निगेटिव डिविएशन कहाँ पे दिख रहा है? राइट तो जहाँ पे मैक्सिमम निगेटिव डिविएशन दिखता है, इसके क्रॉस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन यहाँ पे बनेगा या मिलेगा, वही कंपोजिशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है। दिस कंपोजिशन इज कॉल्ड व्हाट? मैक्स इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन में जहाँ पे मैक्सिमम निगेटिव डिविएशन, और वो मैक्सिमम निगेटिव डिविएशन पे जो वेपर प्रेशर आता है, वो वेपर प्रेशर पी नॉट ए और पी नॉट बी में जिसका वैल्यू कम है उससे भी कम रहता है। पी नॉट ए और पी नॉट बी में जो भी कम है उससे भी क्या रहेगा? कम रहेगा। इसको मैं लैंग्वेज दे देता हूँ, समझ में आ गया कि कहाँ पर रहेगा? तो इसलिए ये ग्राफ सही नहीं था। इसका मतलब ये क्या रहता है? पी नॉट बी से भी कम होता है, राइट, और उसके बाद ये ज़्यादा होता है, लेकिन ऑलवेज इस लाइन से और स्ट्रेट लाइन से नीचे रहेगा। बट यहाँ पे ये अगर इसको फॉलो करते तो इस ये नो डाउट ये ग्राफ इस लाइन से नीचे है, बट क्या इसका कोई भी वैल्यू पी नॉट बी से नीचे रहेगा? नहीं आएगा। बट पी नॉट बी से नीचे आने के लिए वर्टेक्स बनना जरूरी है, है ना? पी नॉट बी से नीचे आकर पी नॉट ए तक जाने के लिए वर्टेक्स तो बनना पड़ेगा, अगर कम होगा तो दैट्स व्हाई वर्टेक्स क्रिएट हो रहा है। और जहाँ पे मैक्सिमम
डिविएशन दिखेगा उसके क्रॉस्पॉन्डिंग जो मिक्सचर मिलेगा, दैट पार्टिकुलर मिक्सचर इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। और वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या एक से ज़्यादा कंपोजिशन के लिए रहेगा या वो पार्टिकुलर ए और बी के लिए कोई एक खास वैल्यू रहेगा? कोई एक खास वैल्यू रहेगा, वर्टेक्स तो एक ही रहेगा ना, राइट? बाकी के लिए एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन नहीं कहलाएगा। डैम सर, कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के साथ पेट्रोल पंप पे गए होंगे, राइट? तो एक दो अभी भी गाड़ी बचा हुआ है, लेकिन पहले के ज़माना में गाड़ी रहता था स्कूटर, एलएमएल वेस्पा या राजदूत। अभी भी कुछ गाड़ी है जिसमें पेट्रोल के साथ मोबिल मिलाया जाता है, राइट? ऑटो वगैरह में तो पेट्रोल के साथ मोबिल मिलाए थे, तो हम लोग को लगता है शायद ऐसे ही मिला दिया जाता होगा। भाई वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया जाता है। कौन सा मिक्सचर? इतना लीटर पेट्रोल में इतना ऑनसी मोबिल डालना है, दैट्स वाई की अदरवाइज पेट्रोल इंजन में चला गया और मोबिल टंकी में ही बचा रह गया, तो सही से काम हुआ। इसका मतलब विदाउट चेंज ऑफ जो कंपोजिशन पेट्रोल और मोबिल का टंकी में मिला है, बना है, वही कंपोजिशन इंजन में जाना चाहिए जलने के लिए, कंबसन होने के लिए। वो कैसे होगा कि जो लिक्विड फ्रिज फेज में है वही वेपर फेज में जाए? होगा कब? जब ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर बना दें। क्या बना दें? एजियोट्रॉपिक पिक्चर। अभी तो हम लोग को क्या लगता है, जैसे हम लोग को लगता है अच्छा ऐसे ही कंपनी वाला बोल दिया होगा। भाई कंपनी रिसर्च करके वहाँ पे कुछ सारा बात आपको थोड़े पता चलेगा। बाहर से तो हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं ना ऑटोमोबाइल का, अंदर में देखिएगा तो कितना सारा पार्ट फंक्शन करते रहता है, राइट? हज़ारों पार्ट उसका, जब एक बार इंजन स्टार्ट होता है तो आपको लगता है एक चीज़ काम करता है एक साथ इतना सारा। आज के डेट में देखते हैं पावर स्टीयरिंग आ गया है, समझते हैं पावर स्टीयरिंग? पहले के ज़माने में एकदम स्टीयरिंग घुमाना पड़ता था, अभी फिंगर से रोटेट कर दीजिएगा तो ऐसा इतना इजी रहता है? इजी नहीं रहता भाई। वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल P1A1 = P2A2 चल रहा है फ्लूड मैकेनिक्स का, हाइड्रोलिक सिस्टम, राइट? एक फिंगर से हाथी को उठा सकते हैं, पास्कल लॉ, राइट? वन फिंगर से किसको उठा सकते हैं? ऐसा ही कुछ रहता है ना। यहाँ पे 1 न्यूटन लगाया और 1 न्यूटन का 10,000 न्यूटन बढ़ा देना है, एरिया 10,000 times बढ़ा दीजिए, हो गया। आपने लगाया 1 न्यूटन, यहाँ पे अप्लाई कितना होगा? 10,000 न्यूटन। दिस इज द कमाल ऑफ पास्कल, राइट? इतना बड़ा बड़ा चीज़ आ गया है, इतना बड़ा बड़ा मशीन देखते हैं, JCB हाइड्रोलिक सिस्टम पे ही चल रहा है, यही तो चल रहा है। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ से ही मैं नेक्स्ट क्लास बात करना स्टार्ट करूँगा इस पॉइंट से। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसी क्लास में बैठे रहिए, यहाँ पे ही जूलॉजी का क्लास होगा।